अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और हम सब यहाँ एकदम बढ़िया मस्त हैं, स्वस्थ हैं और खुश भी हैं बहुत ही ज्यादा। और यहाँ पर देखिए चिड़िया रानी को, कितना वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, प्यार हो रहे हैं मतलब मम्मा और बच्चा का प्यार है। और यहाँ पर हम खड़े हैं अपने धनिया के खेत में। यहाँ पे मेथी है, धनिया है, सब कुछ है। ये देखो धनिया का फूल, ये माशाल्लाह। अब की बार हम लोगों के खेत में बहुत 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 सारे धनिया उगे हुए हैं और हमने सोचा था कि हम आप लोगों के लिए एक प्यारा सा व्लॉग बनाएंगे सरसों के खेत में जाकर। लेकिन क्या करें फ्रेंड्स, सरसों के खेत से तो सारे फूल ही गायब हो गए। यही थोड़ा एक दो पेड़ सरसों का है, वही बना रहे हैं। और दिसंबर की लास्ट वीडियो है, 2023 की लास्ट वीडियो है, तो हमने कहा चलो हम भी थोड़ी सी बना लेते हैं। तो आ गए यहाँ पर हम और दिखाते हैं जो हमने टमाटर का पौधा लगाया था उसमें छोटे छोटे प्यारे प्यारे टमाटर भी आ गए हैं। तो कहाँ है देखो, अच्छा मालूम नहीं क्यों फ्रेंड्स, मतलब टमाटर के पेड़ में जब फल आते हैं ना तो टमाटर का पेड़ कुछ इस तरह हो जाता है, जल जाता है। इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। नहीं देखो अभी एकदम बढ़िया स्वस्थ है, अच्छे से खड़ा है ना, और जब फल लगेगा ना तो इस तरह से इसे जल के खराब हो जाएंगे पेड़। इसमें भी है आए हुए हैं, बैटरी खत्म हो गई, इसमें भी फल आए हुए हैं। ये देखो कहाँ दिख रही रहा, ये माशाल्लाह। और यहाँ भी धनिया भी मस्त लगी हुई है। अच्छा ये देखो चूहा मामा का, इसमें भी फल आए हुए हैं और टमाटर भी खराब हो रहा है। चूहा भी अपना काम कर रहा है, चूहा। बहुत 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 प्यारी 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 सर्दी भी कहीं प्यारी होती है। चलो हमने इसे भी प्यार का नाम दे दिया और बतख साइमन देखो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, सर्दी का आनंद ले रहे हैं, और सारी नदारद है। एक कबूतर वहां से आ रहा है भागते हुए अपने घर की तरफ, और एक बाज आया था जिसके जैसे भाग गया था और हम उसी बाज को खेदने के मतलब भगाने के लिए आए थे। तो हमने कहा चलो मोबाइल साथ में है तो लगे हाथ वीडियो भी बना लेते हैं। और यहाँ पर देखिए किस किस को पता है कि किस चीज का पौधा है, शायद कि ना पता हो, हमें पता है। ये है बुलबुल का पौधा। इसमें बुलबुल फल लगी हुई है लेकिन पकी हुई नहीं है, किसी दिन अब्बा इसे ऐसे ऐसे उखाड़ के फेंक देंगे जब आएंगे खेत में। माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ज्यादा घास उगाई है माशाल्लाह। जा रहे हो दिसंबर अपने साथ, बुरी यादें अपने साथ लेकर जाना, और जनवरी के साथ में अच्छी अच्छी सौगात लेकर आना, भेज देना जनवरी के हाथों, ठीक है और हमारे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स को इस तरह से फ्रेंड्स की जिंदगियों में प्यारी प्यारी खुशियां लेकर आना। हाँ
ये देखो, वाओ माशाल्लाह, ये ये व्यू अच्छा है। हमने सोचा था कि इस तरह से खेत में प्यारे प्यारे सरसों के फूल होंगे और वहां पर हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन सारिक ने बताया नहीं कि फूल आ चुके हैं और वीडियो बनाना है और हम भी उधर गए नहीं। और आज जब हमने देखा यहाँ से खड़ा होकर, तो सरसों फूल कतर चुकी है अपना और बस हमारा काम बस काम ही रह गया। ये मस्त मस्त सा व्यू, माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ देखो चिड़ियों का काम, चेक करो चिड़ियों का काम, चेक करो ये देखो इतना प्यारा सा अमरूद लगा हुआ था, अमरूद लगा हुआ था उसको भी खराब कर दिया इन लोगों ने। सर्दी लग रही है माशाल्लाह। ये ऐसा कुछ होता है गांव का नजारा इन दिनों इन सर्दियों में। सर्दियां अच्छी होती हैं गांव के लिए। हाँ ये मेरा प्यारा सा घर है और इस घर का प्यारा सा व्यू है। बतखनिया बुला रही है। यहाँ पे धनिया लगा हुआ था इस वजह से ऐसे ही इसको घेरे में ले लिया कि मतलब मुर्गियां ना आए और खराब ना कर दें सारी धनिया को। और ये हमारे अमरूद के पेड़ वेड़ हैं सब माशाल्लाह, सब कुछ बहुत एकदम बढ़िया बढ़िया है। और ये फूल है माशाल्लाह। ए कितनी उलझे उलझे रेखाएं हैं ना मेरे हाथ में मेरे हाथ में मेरा नाम लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ए। किस्मत उनकी भी अच्छी होती है नहीं साहब, जिनके हाथ नहीं होते हैं। हाथ की रेखाओं का क्या है, ये तो बस ऐसे ही है। ये है माशाल्लाह मेरे घर का प्यारा सा खूबसूरत सा व्यू। और आगे चले एक चीज दिखाते हैं आप सबको। यहाँ पर देखो कितने सारे साग लगे हुए थे जो कि खराब हो चुके हैं। बथुआ जिसे सब लोग बहुत चाव से खाते हैं, जिसे सब लोग कहते हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, टेस्टी है। और यहाँ पर देखिए ये कौन सी सब्जी लगी हुई है, देख के बताओ। ये देखो नहीं दिख रहा होगा, हाँ नहीं दिख रहा, अब दिखा, हाँ दिखा। ये देखो ये पके हुए फल हैं और ये कच्चा हुआ फल है। ये देखो जंगली कुनरू है, कुनरू आप लोग क्या कहते हो, देहात में तो यही कहते हैं, लेकिन इसे कभी तोड़ के खाया नहीं। और ये नील गाय का काम, चेक करो। और ये है प्यारा सा गांव का नजारा, खूबसूरत सा। फ्रेंड्स बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, तो चलते हैं हम घर की तरफ। और यहाँ पे अब कुछ दिखाने के लायक भी नहीं है। नीलगाय ने सारे अमरूद का सत्यानाश कर दिया, इस वजह से यहाँ पर दिखाने के लिए कुछ है भी नहीं, तो चलते हैं घर की तरफ। हाँ इतने ज्यादा अमरूद लगे हुए थे ना कि क्या बताएं, लेकिन सारे अमरूद खत्म हो गए। और वो देखो सूरज भैया झांक रहे हैं थोड़ा थोड़ा, फिर भाग जा रहे हैं, उन्हें शर्म आती है, कहते हैं शर्म लग रही है हम नहीं आएंगे यहाँ पर। ये देखो दिखा दिख रहा है कि नहीं,
जूम करते थोड़ा सा, ये सूरज छिप रहा है, ये और ये है हमारा प्यारा सा घर जो दिखाई दे ही रहा होगा। हाँ, ये यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी सी सरसों, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग चल रहे हैं। ये हमारी प्यारी प्यारी मुर्गियां हैं, अपना चुन्नी खाने के लिए आई हैं और अब इन्हें जाना होगा घर में। मौलाना साहब, ये छोटे भाई हैं, देखो बड़े भाई हलाल हो चुके हैं, छोटे भाई यहाँ पर विचरण करते हुए पकड़े गए हैं। और ये मुर्गी मुर्गी को देखिए, ये मुर्गी देखिए, इसने अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहा था कि मुझे नया कपड़ा चाहिए, तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है तुम्हें कपड़ा मिलेगा लेकिन कुछ दिन कष्ट में रहना पड़ेगा। और इतनी भरी सर्दी में बताओ कोई ऐसा करता है। अल्लाह ताला ने इसको नया कपड़ा देने के लिए इसके सारे कपड़े उतार लिए हैं और कुछ दिनों में ये बहुत प्यारी हो जाएगी, प्यारी प्यारी हमारी मुर्गी हो जाएगी, तब दिखाएंगे आपको इस सुंदर सी मुर्गी आपको। ये देखो कुछ इस तरह से मुर्गी है मेरी। कुटकुट चल घर में मौलाना साहब। से एक मुर्गी यहाँ पे छूट गई, किस तरह से शोर मचा रही और शिकायत कर रही कि मुझे छोड़ के चले गए। दरवाजा बंद हो चुका है और यहाँ पर खड़ी होकर ये शिकायत कर रही है कि मुझे क्यों छोड़ के चले गए, बाहर मुझे अकेला डर लग रहा है। गया मुगिया, कैसे ही रहेगी बहू तू? ढिल्ला आ गया तो बहुत ज्यादा हो रही पप्पी। खोली से बहुत रोज। और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको कि हो रहा है काम घर का, कुछ खत्म हो सारे भी यहीं पे मिलेंगे आपको। और यहाँ पर बच चुके हैं देखो चार, खाना बनाने का समय हो गया है। सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। अम्मा अम्मा आराम करती हैं लेट लेट के आराम से। और यहाँ पर कबूतर आए हुए हैं घर पे बैठने के लिए, आराम करने के लिए। मालूम नहीं का बतखवे बें करत चिल्लात, तो इन सबको भी घर में लेकर चलते हैं। शारिको आ गए रहा देखे बाऊ का रहा कसम से के का दौड़ाए रहे झूठा, इतना बड़ा है। तीन तीन छह दिन करना होती जो बारह तेरा आ? ये देखो सारी बाऊ का आए हैं, कहा था सियाल लो लाए लेन फ्रेंड सियारे हम देखी तो मुताज उतरी गेरा सियारे कहीं नहीं है, हमसे बड़ा सियार बक्षी कवा तो ही है सर को तो। चलो हम दौड़े हम वो अंडे खाली सियारे ताके पिछवा बुड़ बुड़ी के हम दौड़े रही पल 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 बेचारा लही हम दुई फिर उठा डबलिया ए जैसे ऐसे यह रहा ऐसे उछाला चाहिए सरवा का क्रॉस करे गति। एक सेकंड सारी का गेटअप चेक कीजिए, बहुत जूम है ये है कैमरा। सरवा क्रॉस करे गति उछला जाए तो दुई ढलान दुई ढबलिया का के पूरा भागे की जैक लौड़ी है वे रुके दूलो।
अरे तू यही रहे, बदतमीज चिल्लाने टेंशन दौड़े नहीं है सब। कहाँ रहे कहाँ? यही रहे, यही आए रहे, नहीं की लगा यही रहे दोनों। और तू कहते नहीं बड़े बदतमीज हो। सुनो 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 सुनो, यह नहीं भी रहे ये वह रहे। कहाँ? तब कौन है उनके खेते? असलम भैया के? हाँ उनकी लड़िया आपके वहाड़िया में, मतलब ऐसे जात रहे उनमें रास्ता समोखे तो हाँ। नहीं ऐसा लाग रहा है, तो चिल्लाने रहे कि हाँ, मतलब यही है तब तो भेज रहे हैं। आवत रहे तो उनने जैसे देखी वह दरवाजा भी करा उल्टे पर 180 की स्पीड पकड़ी और हरियत से हम 210 के स्पीड से दंगान कंपन कंपन दौड़ी। अरे उल्टा तो पगला नहीं का? अरे निकाल दी तो वो भी कहा दिया फुल भैया, हम स्टोरी सुना दिखा ना कि हम किनारे किनारे चलित का करे, हम बताओ अब तो हम गढ़ी हम भी गिर गई रहे, लेकिन स्पीड से पकड़ के पैजा दौड़े रहे पिछवा बुड़ बुड़ दिए कि कहा कई आदमी गई रहे सियर है कि हमसे बड़ा खबरा है सियार का और कहीं नहीं है आज तो बार नहीं जाए तो हम इतना तेज किस सियर है हफ्ते रहे हुई है खाली दूसर काम नहीं करे तो हले निकली गई बच्चे जाओ आओ निकली गई आओ ए संभाल के इस दिन हम बहुत तेज से चोट लग जाते हैं मर जाते हैं। अच्छा वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो दिखाएंगे दिखाते फ्रेंड्स सारी को किस तरह से बतख निकालते हैं। अच्छा बचपन में मतलब बचपन में अब हम कोई भी बात कह देंगे तो बचपन में मतलब सुनने में भी अजीब लगेगा लेकिन हाँ अब सारी स्टोरी बचपन की ही है तो वही तो हम कहेंगे कि जब हम लोग बतख निकालते थे ना तो जो का नाम है कौन टूट पड़ा जो सारी केज के भैया लोग होते थे ना वो मतलब जो हमसे जब बड़ा रहते भैया तो हुई जो सारी की तत रहत रहा वही सब जब वो का नाम है बतखवन का निकाले तो मारे नशा के हाय हरा घोर कहूं का अब तो लाग गए ऐसे ही लागत रहा बाबू। हाँ नहीं क्रिया प्रतिक्रिया ऐसे ही लग जात रहा बेचारे वही माँ उलट जात रहे। पता है फ्रेंड सीरे कहीं नहीं है नमस्ते हम कह नमस्ते भैया पिछवा सीरे कहीं नहीं है कि भैया पाय लागे बहुत नीलगाय के तीन तो छोट छोट बच्चा हमसे बड़ा खौटा सी आ रहा तब ही नहीं हम देखे नीलगाय के बच्चे देखो फ्रेंड्स सारी को बुलाने आए हैं कहते सारी कब्बा आवो आवो तो हरम रुतवा खाए हम आए हैं। अब्बा उनका खड़ा है कलुआ वाह वाह देखे नहीं अरे वो खम्भों से हाँ हो नहीं देखा था ना सारी की अम्मी का फोन आ रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर करते हैं हम खत्म। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखना और दुआ में याद रखना। बार बार फोन लगा रही हैं देखते हैं क्या है। बार बार फोन लगाई रही हैं तो देखते हैं क्या है। और ये बगुली घर पे जा रही है अपने घर पे बाय जा बाय रही है बगुली। और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखना दुआ में याद रखना। थैंक यू शुक्रिया खुदा हाफिज। हम तो गए थे घर में कि सारी को दिखाएंगे कि किस तरह से मिस्त्री लोगों के साथ काम कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा खुराफात ही है खुराफात कर रहे हैं उन लोगों के साथ। और बार बार इन्हें जाके हमें मना भी करना पड़ा था। जाकत हुआ लेकिन बीचों अंदर कैडी मुड़िया तो ठीक है। थैंक यू शुक्रिया खुदा हाफिज। पता है फ्रेंड्स यही लाही बड़ी हो गई है और अब खतरा ज्यादा है काहे के लिए अब बत्तख और मुर्गियों के लिए खतरा बहुत ही ज्यादा है। जब हम वहाँ पर बाहर व्लॉग बना रहे थे मतलब वीडियो बना रहे थे एक महीना बाद लाही कट जाएगी 1 से 2 महीना ज्यादा से ज्यादा क्योंकि फर गई है लाही एकदम पूरी फर गई है एक को भी फूल आने वाली नहीं है। थोड़ा सा यही है जहाँ पे फूल लगा हुआ है बाकी सब लाही में आ गया है वो सब फर गई है फल आ गए हैं फर गई है। अब 2 महीना बाद कट जाएगा तब तक फिर फ्रेंड्स जब लाही कटेगी तो ये गेहूँ 2 महीना बाद बड़ा हो जाएगा उसके। तो ठीक है फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोगों से किसी दिन नए वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग में।
और अब तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। चैनल पर और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।